व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अमरूद की एक स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से अमरूद की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ग्वावा, जिसके आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से को मैं चाकू की मदद से काट कर अलग कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, अब इसे हम बीच से इस तरह से कट लगा लेंगे और अमरूद के एक हिस्से को हम लेंगे और इस तरह से चाकू की मदद से सीधे सीधे काटते जाएंगे। इसी तरह से हमें सभी अमरूद को काट कर तैयार कर लेना है। दोस्तों, आप इस रेसिपी के लिए कच्चे अमरूद का प्रयोग करें, उससे ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम इसी तरह से सभी अमरूद को सीधे सीधे काट कर तैयार कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे काट कर तैयार कर लिया। अब देखिए, बीच में जो बीज का हिस्सा है उसे हमें चाकू की मदद से काट कर अलग कर लेना है। इसी तरह से हम सभी बीज को जो है अमरूद से काट कर अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, सभी को मैंने इसी तरह से काट कर तैयार कर लिया है। आगे के स्टेप में जो है हम कुछ सामग्री लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर और हरी मिर्च। आगे हम लेंगे एक मिक्सी जार, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हरी मिर्च को और उसके बाद टमाटर को हम काट कर मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैंने दो टमाटर मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। और दोस्तों, आगे हम इसका लीड लगाएंगे और पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं तो ये कितने अच्छे तरीके से देखिए पिस गया है। चलिए अब इसे हम अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया। आगे मैंने लिया है दही। दही में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। आगे मैंने सामग्री में लिया है जो हम लोग ने पहले से टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था, उसे मैंने बाउल में रखा है। साथ ही रखा है हींग, चीनी, किशमिश, काजू, धनिया पत्ता और अदरक का पेस्ट। आगे मैंने लिया एक कढ़ाही। कढ़ाही में ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम फैला लेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेने जा रहे हैं हींग को। हींग को डालकर हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए पका लेना है। तो दोस्तों, मैंने हींग को 10 से 15 सेकंड के लिए पका लिया। आगे हम इसमें ऐड किए हैं जीरा को। जीरा को भी डालकर हम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए चटकने देंगे। दोस्तों, आगे अब इसमें हम मिला रहे हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए मैंने इसे 40 टू 50 सेकेंड्स के लिए पका लिया है। दोस्तों, आगे अब इसमें हम मिला रहे हैं अदरक का पेस्ट। इसे डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और चलाते हुए लगभग इसे 50 टू 60 सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे चलाते हुए इसी तरह से 50 टू 60 सेकेंड्स के लिए पका लिया और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं
जो पेस्ट हमने टमाटर और हरी मिर्च का बनाया था उसे मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से चला ले रही हूँ। और इसी तरह से चलाती हुई लगभग हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। आगे अब इसमें हम मिला रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसमें हम दही को ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने पानी को मिलाकर अच्छे से फेटा था, इसे ही मैंने कढ़ाई में ऐड किया। दही को ऐड करने के बाद हमें इसे नॉनस्टॉप अच्छे से चलाते जाना है और इसी तरह से चलाते हुए हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे चलाते हुए अच्छे से पका लिया और देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो वापस से मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और अब इसमें हम मिला लेने जा रहे हैं अमरूद को, जिसे हमने अच्छे से काट कर तैयार किया था, और इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और अब इसमें हम मिला रहे हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल ले। साथ ही इसमें ऐड करेंगे चीनी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसमें हम मिला रहे हैं किशमिश को, साथ ही इसमें ऐड करेंगे काजू को। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों वापस से मैं इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका ली हूँ। आगे अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी, थोड़ा ही पानी हमें इसमें ऐड करना है। इस सब्जी में हमें ढेर सारा पानी ऐड नहीं करना है। पानी को ऐड करके हमें इसे अच्छे से चला लेना है। दोस्तों अब इसमें हम मिलाएंगे गरम मसाला, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसका लीड लगाएंगे और लगभग इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी कितने अच्छे तरीके से पक गई है। चलिए अभी इसे हम एक बार चला लेते हैं और वापस से ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग दे देंगे। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अमरूद की सब्जी बनाना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।